तो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे होंगे आप टाटा पंच, नीचे से बोले तो थर्ड मॉडल पे है और आगे का लुक देख सकते हैं। सारा चीज बात करेंगे, इसका बाहर का लुक, अंदर का एक्सटीरियर, इंटीरियर, और इसके ऑनर से भी मिलवाएंगे कि आप गाड़ी लेकर कितना खुश हैं, और इसके अंदर का लुक दिखाएंगे। बहुत अच्छा फीचर्स है, आप देखिएगा। जैसा कि आगे का देखेंगे तो अच्छा गाड़ी दिखता है ना, ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है, हेडलैम्प मिल जाता है, आप चाहें तो इसमें LED भी लगवा सकते हैं बाहर से, है ना। और ये आगे नीचे ग्रिल मिल जाता है, ये आपका लाइसेंसी नंबर प्लेट के लिए मिल जाता है, अंदर रेडी वाटर के लिए, हवा जाने के लिए, एक देख सकते हैं एक अच्छा लुक मिलता है यहाँ पे। और इधर की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं इस मॉडल में आपको फॉग लैंप नहीं मिलता है, आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं आउट ऑफ मार्केट, है ना, मार्केट में। और इधर से देखते हैं राइट साइड का अगर व्यू देखें तो देख सकते हैं कि एक अच्छा लुक मिलता है, थार जैसा मतलब फीलिंग मिलता है। देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है इसके बीच, और देख सकते हैं टायर का जो है 185/70/50 इंच का, इसमें आप चाहें तो एक देख सकते हैं व्हील कवर मिल जाता है इसका, है ना। आप चाहें तो इसमें अलॉय व्हील भी लगवा सकते हैं 16 इंच का, है ना, तो और तगड़ा लगेगा, एकदम अच्छा वाला फीलिंग आएगा। ये देख सकते हैं साइड का पैनल, देख सकते हैं किस तरह का लुक है, एकदम लग्जरियस में। खोलिए, अंदर जाइए, है ना, अंदर की भी बात करेंगे, है ना। पहले ये गेट का इधर देखेंगे, इसमें दिया देख सकते हैं, लॉक अनलॉक दिया है इसमें भी, चाबी में भी, और ये इस तरीके से भी खोल सकते हैं। और देख सकते हैं काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, ये सबसे अच्छा लगता है। और देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा, बिहार की रोड की बात करें तो बहुत ख़राब है, और वहाँ पे गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गाँव जाइए, देहात जाइए, पहाड़ पे लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है, देख सकते हैं। और टाटा पंच का जैसे कि पीछे से देख सकते हैं, इसका पंच का टाटा का लोगो, और देख सकते हैं रिवर्स लाइट यहाँ मिल जाता है आपको, ये बम्पर बाहर से लगवाया गया है ना। इंडिकेटर मिल जाता है, लैंप मिल जाता है, और डिक्की की बात करें तो फिर शायद हाँ एक बटन होगा, ये आपका जो पीछे वाला डिक्की है इसमें काफ़ी स्पेस मिल जाता है, आपका बड़ा बड़ा भी सामान आपका अट जा सकता है ना। और देख सकते हैं कि ये आपको वगैरह वगैरह टूल्स वगैरह मिल जाता है, स्टेपनी जब चेंज होता है ना तो इसको लगा करके चेंज किया जाता है। इसके अंदर आपको टायर मिल जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये लाइट भी मिल जाएगा, जैसे रात उत को डिक्की में आपको फ़ोन का लाइट ना चलाना पड़े, लाइट भी मिल जाएगा। और ये आपका ट्रे मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये लॉक हो गया हमारा ऑटोमेटिक। फिर इधर का व्यू देखें तो सेम ही व्यू रहेगा। अब अंदर की थोड़ा बात करते हैं, देखते हैं आखिर क्या क्या है, और उधर से हम जा कर के दिखाते हैं आपको क्या क्या आखिर। तो बात करें तो हम सबसे पहले बैठते हैं तो एक अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है आगे के लिए आप, और ड्राइवर सीट के अगर हाइट आपका लंबा भी है ना, देख सकते हैं मेरा भी हाइट थोड़ा ठीक ठाक है, अगर हमसे भी लंबा इतना है तो आराम से वो बैठ सकता है। अल्टो वगैरह में क्या है ना, सट जाता है माथा, इसमें एकदम एक्सयूवी वाला लुक आता है, फील आता है। सीट एडजस्ट करके आप आराम से, ये स्टीयरिंग मिल जाता है यहाँ पे, स्टीयरिंग पे आपको वॉल्यूम, फ़ोन कनेक्टेड, सब चीज़ मिल जाता है। फ़ोन उठाइए, डिक्लाइन कीजिए। यहाँ पे सबसे यूनिक चीज़ हमको इंटीरियर का इसका क्या लगा, देखिए इसका AC वाला, AC लग रहा है ना पूरा, अंदर से अगर बैठ जाए ना, ये यहाँ पर कोई और लोगो लगा दिया पता चले लग्जरियस गाड़ी है अंदर से, एकदम एक रो में दिया AC, और AC अभी हम चल के आए तो AC इतना अच्छा लगा, फीलिंग आया, क्या बताएं आपको। ये डैशबोर्ड मिल जाता, और यहाँ खास बात देखिए इसमें बटन है, सब गाड़ी में क्या है ना घुमाने के लिए देता है, इसमें आप यहाँ से हवा लेना चाहते हैं, पैर और दोनों से हवा लेना चाहते हैं, सिर्फ पैर से लेना चाहते हैं, ये सब सब बटन दिया, एकदम बहुत अच्छा। इसमें म्यूजिक सिस्टम स्क्रीन नहीं दिया, टॉप में देता है इससे थोड़ा, है ना, ये देख सकते हैं कि ये सब दिया कुछ रखने के लिए, डॉक्यूमेंट वगैरह, एयरबैग का एडवाइस यहाँ पे दिया, और देख सकते हैं हैंड ब्रेक के पास स्पेस दिया, आराम से ड्राइवर फोन रख सकता है, यहाँ पे रख सकते हैं कुछ सामान, और ये देख सकते हैं कि टाटा का जो गियर है। नेक्सॉन वगैरह में क्या उठा के दिया जाता है, इसमें एकदम नॉर्मल ही दिया है सब गाड़ी की तरह। और ये पावर विंडो आपको मिल जाता है, मिरर एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिलता है ना। इस गाड़ी की खासियत बहुत है। और डैशबोर्ड की थोड़ा सा बात करें, जैसे कि कैमरा थोड़ा नज़दीक लाइएगा, डैशबोर्ड में आपको एक सारा चीज़ मिल जाता है, जैसे कि एवरेज की बात करें, या फिर RPM की बात करें, स्पीडोमीटर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो ये सारा टेम्परेचर से लेकर के एवरेज से लेकर के गियर आप चेंज करते हैं, ये सब सारा जो है आपका डिजिटल मिल जाता है बीच में, और बाकी आपका जो है कांटा वाला वो मिलता है। तो ये था इसका इंटीरियर। और पीछे की अगर बात करें तो पीछे कितना स्पेस है वो हम देखते हैं थोड़ा सा।
जस्ट देख सकते हैं कि अगर पीछे भी मतलब चार लोग बैठते हैं ना ऑल्टो वगैरह में, क्या है कि तीन लोग बैठिए फुल हो जाएगा इसमें आराम से। एक ही ऐसा गाड़ी है जिसका कि हाइट इतना है, बाकी में सब में ना पैर धर लेगा। इसमें आप लंबा सफ़र करिए कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं ना आराम से आपका ये रहेगा, लेवल में रहेगा। बाकी सब गाड़ी में क्या है ना पैर ऐसे कर हो जाता है, तो ये खासियत बात है, चार लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। और सब यहाँ पे पावर विंडो दिया, बाकी सब गाड़ी में ना आपको यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ बोतल रखने के लिए और भी फ़ोन वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। और इसका म्यूज़िक हर एक डोर में दिया है, म्यूज़िक का सिस्टम। तो ये रहा, और इसके ऑनर से मिलाते हैं आपको कि इनका क्या कहना है, आखिर ये गाड़ी क्यों लिए उनसे पूछते हैं। तो ये इनका ऑनर है, इनका नाम हुआ, आपका नाम जी? रोहित। रोहित राज नाम हुआ, इन्हीं का ये गाड़ी है। और इस गाड़ी को आप क्यों लिए, और भी तो गाड़ी था ना, मतलब जैसे कि साढ़े आठ के बीच में ये जो सेफ्टी सबसे अच्छा गाड़ी, सबसे बात करें तो सबसे पहले ये 5 रेटिंग सेफ्टी है ना, सही बात बोले, सबसे ये सेफ्टी कार यही है, टाटा में नंबर वन में सेफ्टी यही है। और टाटा से इसके अलावा सुजुकी वगैरह तो कोई सेफ्टी है नहीं, आगे बताएं। और चलाने में भी बढ़िया फील होता है, स्पेस भी बढ़िया है, स्पेस भी बढ़िया, माइलेज का डिक्की का भी स्पेस, बूट स्पेस भी बहुत अच्छा है, माइलेज भी इसका बढ़िया है। पहला तो सेफ्टी रहता है कार, पहला तो सेफ्टी होता, सही बात। इसके पहले आप रखे हुए थे, ये सुजुकी का गाड़ी है ना, अल्टो वगैरह रखे हुए थे, लेकिन अब ये टाटा को अफोर्ड किया। और पूरा हैप्पी है मतलब, पूरा कितना है मतलब किलोमीटर अभी चला है? लमसम 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर लगभग चला है। कितना दिन पहले गाड़ी लिए? गाड़ी लमसम हो गया है 28-29 दिन, 28-29 दिन सिर्फ ये गाड़ी का हुआ है। देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक लुक में है, और ऑनर बहुत खुश है ना। और देख सकते हैं गाड़ी का व्यू, अगर आप भी 8-8.5 लाख-9 लाख के बीच गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी को ले, है ना। टाटा पंच सस्ती गाड़ी है, कहीं भी लेके जाइएगा, एंट्री करिएगा धाकड़ लगेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, देख सकते हैं क्योंकि धूप में इस तरह का पसीना बहा कर आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। ओके बाय।